विधानसभा के प्रभारी जितने हमारे यहां स्वैच्छिक शाम ले जाएंगे, विधानसभा के प्रभारी शामिल जी, राकेश गिरी जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए। सभी प्रभारी जो विधानसभा के हमारे हारे प्रभारी बने हैं, आप भी उनको फूल देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। देसाई गढ़वाल जी, विकास मित्तल जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारी राज्यसभा की सांसद डॉक्टर आगे सभी मंडल अध्यक्ष अपना स्थान ध्यान कर लेंगे, सांसद राज्यसभा जी का स्वागत करेंगे। देसाई गढ़वाल जी, विकास मित्तल जी, एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सम्मान। जो सम्मान सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत के रूप में देना चाह रहे हैं, एक बार जिन्हें मैं नहीं दिया है, जोरदार तालियों से पीछे तक आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत स्वीकार होगा। सब तालियों से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, समय को देखते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद हरिद्वार संसदीय क्षेत्र डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। इसमें थोड़ा सा क्रम में चेंज करते हैं, हम अपने जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किरण चौधरी को तहे से सादर आमंत्रित कर रहा हूं संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज यहाँ पर हमारे लोकप्रिय उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उसका सिख धामी जी, मैं उनका हाथ जोड़कर पूरे इस क्षेत्र की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड का संगठन चल रहा है श्री महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन हमारे विधायक जी बालकृष्ण सैनी जी, कुलदीप जी भाई साहब सम्मानित मंच, और सामने बैठे हुए मेरे क्षेत्र के भाइयों बहनों, मेरा यही कहना है हमारे आज युवा मुख्यमंत्री उसका सिंह धामी जी मंगलोर में पहुंचा है, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। इसी क्रम में अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, तहे दिल से आमंत्रित कर रहा हूं अपने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जोरदार तालियों से। सर पे बहुत दायित्व, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार रही हो, उत्तराखंड सरकार रही हो या भारत सरकार, आपने अपने अपने दायित्व से अपनी अलग ही अपनी पहचान बनाई है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर। भारत माता की, पीछे करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, आज हमारे लिए इस पूरे तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां राजधानी रायपुर में भाजपा ने सभी 11 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें अनुभवी दिग्गज और नए लोगों को भी मौका मिला है। बता दें कि भाजपा ने इस बार एक संतुलित टीम उतारी है, इसके तहत ही लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस में जो फाइटिंग हो रही है उसकी चिंता उन्हें ही करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हर जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और इसी आधार पर 11 प्रत्याशियों का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यह छत्तीसगढ़ की जनता खुद चाहती है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है हरेक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस बार इन 11 लोगों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, एक एक कार्यकर्ता इन प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, आज छत्तीसगढ़ की जनमानस चाहती है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक भोजराज नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है। भोजराज नाग अंतागढ़ विधानसभा से एक बार के विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भोजराज नाग जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक के पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने